अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे एमरजेंसी मेडिसिन बॉक्स के बारे में। आज हम इसमें जो जो मेडिसिन रखी जाती हैं, हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी बेस्ट जानकारियाँ हम आपको यहाँ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो में पहली मेडिसिन है डाइजीन। डाइजीन टैबलेट आप जानते ही होंगे। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसको एक टैबलेट चूस लीजिए, आपको एसिडिटी से तुरंत राहत मिलेगी। या आपको पेट में जलन हो रही है, या गैस बन रही है, या फिर गले में जलन हो रही है, तो आप इसको एक टैबलेट खा सकते हैं। उसके बाद है पुदीन हरा टैबलेट। ये पुदीन हरा डाबर कंपनी का आप लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके मिलते जुलते काफ़ी ब्रांड मार्केट में है, लेकिन आप डाबर का लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट रहता है। आपको अगर पेट में जलन हो रही है या फिर इससे कोई भी रिलेटिव प्रॉब्लम है, तो आप इसको एक टैबलेट खा सकते हैं। उसके बाद है हमारी मेडिसिन से रेबीमैक DFR कैप्सूल। मैंने अपनी पेट दर्द वाली वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके देख सकते हैं। रेबीमैक DFR ये कैप्सूल है, मैक्लियॉड कंपनी के कैप्सूल होता है। रेबीप्राजॉल सोडियम एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल में फार्मूला होता है। आप इसको मार्केट से परचेज कर लीजिए। गैस बनने पर यह बहुत अच्छा काम करता है। खाली पेट आप इसको खाइए, और ध्यान रखिए जो भी मेडिसिन है वो एडल्ट ग्रुप के लिए ही है, छोटे बच्चों के लिए ये मेडिसिन नहीं है। तो आप गैस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जानते होंगे इनो। इनो अगर गैस बन रही है तो आपको, तो आप इसको एक पाउच ले सकते हैं। उसके बाद आता है नॉफ्लॉक्सटीजेड टैबलेट। नॉफ्लॉक्सटीजेड टैबलेट लूज मोशन में काम करती है। ये एडल्ट लोगों के लिए होती है। अगर आपकी एज कम है, फिलहाल 10 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो आप इसको आधी टैबलेट खा सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप एक टैबलेट खा सकते हैं। लूज मोशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। इससे मिलते जुलते नाम से काफ़ी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप ध्यान रखिए नॉफ्लॉक्सटीजेड नाम से ही आप इसको लें, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। और उसके बाद हमारी मेडिसिन से आता है कैलपॉल 650। ये कैलपॉल 650 और 500 2 mg में आती है। 650 एडल्ट्स के लिए होती है, 500 10 साल से प्लस बच्चों के लिए होती है। GSK कंपनी का ये प्रोडक्ट है। पैरासीटामोल आप लोग इसको जानते ही होंगे, फीवर में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद हमारे इसमें आता है सिट्रिजिन टैबलेट, एलर्जी की टैबलेट होती है। अगर आपके शरीर में अचानक इचिंग होने लगी है तो आप इसको एक टैबलेट खा सकते हैं। अगर आपको कभी कभी दवाइयों की वजह से हम लोगों को एलर्जी होने लगती है, तो आप उसको दवाइयों के साथ एक टैबलेट इसको मिलाकर खा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी कंपनी का प्रोडक्ट है। इससे भी मिलते जुलते काफ़ी ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन ध्यान रखिए आपको इसी नाम से लेनी है, सिट्रिजिन टैबलेट। डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ही आप मार्केट से लें, ध्यान रखें। बाकी काफ़ी नामों से ये आते हैं, लेकिन वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है जितना ये है। लगभग 18 रुपये का ये पत्ता है, 1.80 रुपये की एक गोली पड़ती है। आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। उसके बाद आता है हमारे ऑनडेम MD4 टैबलेट, वॉमिटिंग की ये टैबलेट होती है। एल्केम कंपनी का प्रोडक्ट है ऑनडेम MD4। अगर आपका जी मिचला रहा है या आपको उल्टी हो रही है, तो आप इसको एक टैबलेट चू सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर राहत मिल जाएगी। नाम है इसका ऑनडेम MD4। उसके बाद आता है एफिनेक पी, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल इसमें पड़ा होता है। मैंने अपनी एक वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है, मेडले कंपनी का ये प्रोडक्ट है। दर्द में और फीवर दोनों में ये काम करता है। आपको बॉडी पेन, कोई भी तरह का दर्द है हल्का, तो आप इसको एक टैबलेट खा सकते हैं। हर केमिस्ट पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आप इसको भी हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आयोडेक्स, आयोडेक्स आप लोग जानते होंगे। अगर चोट वोट लगी हुई है, गुम चोट है, वो सूज गया है, या फिर उसमें पेन हो रहा है, तो आप इसको जॉइंट पेन में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे मेक्टाल स्पाफ टैबलेट। इसका जिक्र मैंने अपनी स्टमक पेन वाली वीडियो में किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मेप्टाल स्पाफ टैबलेट
ब्लू क्रॉफ कंपनी की टैबलेट होती है, पेट दर्द में ये बहुत अच्छा काम करती है। इससे भी मिलते जुलते काफ़ी ब्रांड मार्केट में हैं, लेकिन आप ध्यान रखें मेप्टाल इस्पाफ नाम से ही आप इसको लें, बाकी हैं लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते जितना इसका वर्क होता है। मेप्टाल इस्पाफ पेट दर्द में ये बेसिक काम करती है। अगर आपको इमरजेंसी में पेट दर्द हो रहा है तो आप इसको एक टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल अगर आपको लूज मोशन हुआ है या फिर उसके वजह से पानी में कमी है, कमजोरी लग रही है, तो आप 1 लीटर बोतल में इसको एक पाउडर को आप घोल सकते हैं और उसको आराम आराम पीते रहिए। उसके बाद आता है झंडू बाम। आपको सर दर्द है या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम है तो कम घाम, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैंडेड। अगर आपको छोटा मोटा कट गया है तो उसके लिए आप इसको इमरजेंसी में रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ड्रेसिंग का सामान। अगर आपको छोटा मोटा कट फिट गया है तो उसके बाद हम उसको घर ही पे ड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर आपको कट गया है तो आप पहले उसको डिटॉल से छोटी बोतल ले लीजिए, लगभग 30 रुपये कॉस्ट की है ये बोतल। आप इसको मार्केट से परचेज कर लीजिए। आप इसको इससे आप उसको अपनी चोट को पहले वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप ये ट्यूब सिप्लाडीन, सिप्लाडीन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर आपको इसकी जरूरत ये नहीं मिल रहा तो आप बीटाडीन भी ले सकते हैं, लेकिन ये कम कॉस्ट का पड़ता है इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बीटाडीन भी आप ले सकते हैं। उसको अपनी चोट पे लगा लीजिए। उसके बाद एक कॉटन और एक बैंडेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे आप अपनी चोट की ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। जो जो दवाई मैंने बताई हैं आप अपना सादा एक लिफाफा ले लीजिए, उसमें उसके यूज के अनुसार उसको रख सकते हैं और आपका ये फर्स्ट एड बॉक्स बन के तैयार है। आप इसी तरह अपना फर्स्ट एड बॉक्स घर पे बना सकते हैं और छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप खुद ही उसका सलूशन बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।